हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर, ठीक है। यूनिट 5 है। यहाँ पे अपन जैकोबी विधि देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। इस वीडियो में अपन जैकोबी विधि और गाउस सीडल विधि के बारे में आप लोग के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, फिर इसके बेस्ड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आप लोग से, ठीक है। और साथ में हम भी बता देंगे, एक क्वेश्चन हम करवा देंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन आप लोग 20 में से कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में अपन देखो तो जैकोबी विधि जो होती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे अपन स्टेप फर्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो अपन को समीकरण दिए हुए होंगे स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण एक से अपन निकालेंगे एक्स की वैल्यू। यहाँ पे समीकरण एक से एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण एक से एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू निकालेंगे यहां से, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया अपना। फिर यहाँ पे अपन के स्टेप फर्स्ट में तीन चीजें करनी है अपन को, यानी तीन इक्वेशंस दी हुई होंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तथा समीकरण दो से जो होगा वहां से अपन वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और थर्ड में समीकरण तीन से अपन जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड इज इक्वल टू, देखो स्टेप फर्स्ट में अपन को तीन चीजें करनी है। तो समीकरण एक से एक्स की वैल्यू निकाल ली, और समीकरण दो से वाई की, और समीकरण तीन से जेड की वैल्यू निकाल ली है। फिर इसके बाद अपन को स्टेप सेकंड पर चलते हैं। तो स्टेप सेकंड में रहेगा अपन का, स्टेप सेकंड में अपन एक्स वन निकालेंगे। जो एक्स वन जब अपन निकालेंगे यहाँ पे, एक्स वन निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अपन y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो, यानी y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों की वैल्यू जीरो रखेंगे जब अपन को x1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे y1 भी निकालना है, तो y1 के लिए अपन क्या लेंगे, y1 के लिए लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो रखेंगे और z की वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है। तथा z1 के लिए अपन निकालेंगे, तब अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड में अपन ये इतना करेंगे। अब स्टेप थर्ड जो रहेगा, इसी प्रकार से अपन x इज इक्वल टू एक्स वन एंड y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रखेंगे, और z इज इक्वल टू z1 के लिए आगे हल करते जाएंगे यहाँ पे। यानी कि जो स्टेप थर्ड होगा अपन का, वो अपन अभी x1, x2, x, x1, y1 और z1 के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार जो अपन x2 और z y2 निकालेंगे और z2 निकालेंगे, तो यहाँ पे अपन जो वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू एक्स वन रखेंगे एंड y इज इक्वल टू वाई वन रखेंगे, z इज इक्वल टू जेड वन रखेंगे, ठीक है। रखकर हम हल करते हैं। तो आप लोग जहां तक वैल्यू निकालना चाहो, x1 by 1, z1, x2 by 2, z2, x3 by 2, by 3, z3 तक आप लोग निकाल सकते हो। इतना मतलब थर्ड तीन चीजें आप लोग यहां पे निकाल सकते हो, x1 by 1, z1 और x2 by 2, z2 और x3 by 3, z3। यानी कि जब अपन x2 निकालेंगे यहां पे, तो x2 के लिए जो x जो x2 में होगा अपन का, यहां पे जो x की वैल्यू होगी वहां पे x1 रखेंगे एंड y के स्थान पे अपन y1 रखेंगे और z के स्थान पे z1 रखते जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करवा देंगे, तो आप लोग के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसी वीडियो में अपन एक और मेथड देखेंगे, ये अपन की यहाँ पे जैकोबी विधि हो गई, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इनके क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब कम्प्लीट हो चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे गाउस सीडल विधि, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अपन स्टेप फर्स्ट में गाउस सीडल विधि में क्या करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग केवल स्टेप बस समझ लीजिए, फिर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोग के लिए करवा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो थर्ड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर की, और हम दोबारा से भी करवा देंगे आप लोग के लिए सॉल्व, ठीक है। स्टेप फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पे, वहां पे अपन ने जैसा कि जैकोबी विधि में क्या है, तो स्टेप फर्स्ट तो वही रहेगा, यानी समीकरण एक से निकालेंगे अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तथा समीकरण दो से वाई की वैल्यू, एंड समीकरण तीन से निकालेंगे यहाँ पे जेड की वैल्यू, ठीक है। इतना तो स्टेप फर्स्ट आप लोग से बन ही जाएगा। अब जो स्टेप सेकंड होगा,
स्टेप सेकंड जो होगा यहाँ पे अपन निकालेंगे, जैसे कि अपन उसमें x1 by 1 निकालते थे z1, तो यहाँ पे जो होगा वो अपन x1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, जब अपन क्या रखेंगे x1 के लिए, तो यहाँ पे y is equal to z is equal to 0 रखेंगे, एंड by 1 के लिए जो अपन वैल्यू निकालेंगे उसमें अपन रखेंगे x is equal to x1 एंड z is equal to 0, ठीक है, एंड z1 के लिए x इज इक्वल टू एक्स वन तो रखेंगे ही रखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई वन भी रख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू अपन देखो, जब अपन x1 निकाल लेंगे तो x1 की वैल्यू x के स्थान पे रख देंगे, फिर अपन x1 की वैल्यू भी आ गई y1 की वैल्यू, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स वन एंड y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रखेंगे अपन z1 के लिए, ठीक है। तो इतना होने के बाद स्टेप थर्ड जो होगा अपन का यहाँ पे, तो स्टेप थर्ड में अपन जब x2 by 2 z2 निकालेंगे, x2 के लिए अपन कैसा करेंगे, x2 के लिए अपन by 1 into z1 निकालेंगे, ठीक है, एंड y2 के लिए इसी प्रकार लिख लेते हैं, तो जो by 2 के लिए निकालेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब अपन by 2 निकालेंगे तो by के स्थान पे by 1 रखेंगे और z के स्थान पे z1 रखेंगे, ठीक है, एंड जब by 2 निकालेंगे तो यहाँ पे अपन x के स्थान पे रखेंगे x2 निकालेंगे, ठीक है, x2 रखेंगे एंड z के स्थान पे अपन z1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार z2 जब निकालेंगे तब अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स टू रखेंगे एंड y इज इक्वल टू अपन by 2 रखेंगे, ठीक है। ये होगी अपन की गाउस सीडल विधि। तो गाउस सीडल विधि में सबसे पहले समीकरण एक से x की वैल्यू निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट में समीकरण दो से y की वैल्यू एंड समीकरण तीन से z की वैल्यू, ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्लियर है। स्टेप सेकंड में फिर जब अपन x1 by 1 z1 निकालेंगे, तो x1 जब निकालेंगे तो y बराबर 0 रखना है एंड z बराबर 0 रखना है, एंड जब by 1 निकालेंगे तो x की वैल्यू x1 x के स्थान पे x1 की वैल्यू रखनी है एंड z इज इक्वल टू 0 रखना है। जब z1 निकालेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे x1 रखेंगे, मतलब x1 की वैल्यू एंड y के स्थान पे y1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में अपन क्या क्या करेंगे, जब x2 निकालेंगे तो y के स्थान पे अपन क्या रखेंगे, y1 की वैल्यू एंड z के स्थान पे z1 की वैल्यू, तथा y2 के लिए अपन x की वैल्यू x2 रखेंगे, ठीक है, और z की वैल्यू z1 रखेंगे, और z2 के लिए x की वैल्यू x2 के x के स्थान पे x2 की वैल्यू एंड y के स्थान पे अपन y2 रखेंगे, y2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार गॉस सीडल विधि के आधार पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जैकोबी विधि और गॉस सीडल विधि के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और जो भी डाउट हो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देखिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। थैंक यू।